Dear students, Assalamu Alaikum. Today's topic, as you know, is about merging customers in QuickBooks. Why do we need to merge customers? There might be a duplicate customer who has transactions recorded in his ledger, and we wish to merge these two customers into a single entity. The need arises when we or the accountant somehow opens two accounts for a single customer. This may be a mistake or deliberate. Deliberate कैसे होता है बहुत सारी कंपनियां ये करती हैं कि दो या तीन मुख्तलिफ नामों से आपके साथ काम शुरू कर देती हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें ये ख्याल आता है कि ये बहुत बेहतर होता है कि वो आपसे तमाम बिजनेस एक ही कंपनी के थ्रू करती रहें तो वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे ये तीनों अकाउंट एक कंपनी के अंदर मर्ज कर दें दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंटेंट हैं और उन्होंने गलती में एक ही कंपनी के दो अकाउंट खोल दिए हैं और दोनों में ट्रांजैक्शन होती ही चली जा रही हैं जब आपका सीनियर अकाउंटेंट ये डिटेक्ट करता है उसे पता चलता है कि हमने एक ही कंपनी के एक से ज़्यादा अकाउंट खोल दिए हैं तो उसे ये ज़रूरत महसूस होती है कि ये दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी एक सिंगल कंपनी बना लेनी चाहिए दूसरी और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हमने गलती से एक कंपनी खोल ली और हमें बाद में एहसास हुआ कि इस कंपनी की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी को किसी पहली कंपनी ने अक्वायर कर लिया या ख़रीद लिया है अब इन दोनों कंपनियों के अकाउंट्स एक ही कंपनी मैनेज करेगी जब भी ये तीनों में से कोई भी वजह सामने आती है हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम दो अकाउंट्स मर्ज करें गो के ये अकाउंटिंग में एक काफ़ी पेचीदा काम है लेकिन क्विक बुक्स ने ये हमारे लिए आसान कर दिया है तो आज देखते हैं आइए कि क्विक बुक्स में ये दो कंपनियां या उससे भी ज़्यादा कंपनियाँ आपस में किस तरह मर्ज की जा सकती जैसे ही आप अपनी कस्टमर सेंटर में आते हैं तो आपको लेफ्ट पेन में लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स नज़र आने लगते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था जिस कस्टमर के साथ भी आप कोई एक्टिविटी करना चाहें आपने सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना है और उसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी जिसमें आप जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं इन आर केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मर्ज टू कंपनीज़ ये रिक्वायरमेंट हमें क्यों आ गई है क्योंकि हमें एहसास हुआ है कि हमने एक कंपनी गलती से खोल ली है और उसी ओनर की एक और कंपनी हमारे साथ पहले बिजनेस कर रही थी उसने हमें पॉइंट आउट किया है और अब हम ये दोनों अकाउंट्स दो कंपनियों के मर्ज कर रहे हैं वैसे आपको मैं बताता चलूँ कि इस क्विक बुक्स की ये जो प्रोसीजर है इसमें कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलती नहीं है अकाउंट्स बिल्कुल सीधे रहते हैं कोई डिलीशन नहीं होती रिकॉर्ड सारा का सारा मौजूद रहता है इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मर्ज जरीफ कंपनी With Zishan Company. All you have to do is select Zarif and double click on Zarif. जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक किया तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन सारी सामने आ गई सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कस्टमर नेम और क्योंकि हमने जरीफ पे क्लिक किया था तो वहाँ कंपनी का नाम ज़रीफ़ लिखा हुआ है लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम ज़रीफ को अपनी कंपनी जो कि बहुत पहले से काम कर रही है उसके साथ मर्ज कर लें अकाउंट्स आपस में मिला लें ऑल यू हैव टू ड राइट द नेम ऑफ़ द कंपनी यू विश टू मर्ज विथ जिस कंपनी के साथ आप अपनी इस कंपनी को मर्ज करना चाह रहे हैं आप उसका नाम यहाँ लिख दें और एक चीज़ याद रखें नाम बिल्कुल करेक्टली उसी स्पेलिंग के साथ लिखें जिस स्पेलिंग के साथ वो ओरिजिनली आपके अकाउंट्स में मौजूद हो नहीं तो ये नई कंपनी बन जाएगी मर्ज नहीं होगी मर्ज करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हों और बोर्ड पे आपका मास्टर कोई ना कोई आपके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हल करता चला जा रहा हो और आप उसे अपने पेन से अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर रहे हो और एकदम से उसे ख्याल आए कि ओह हो मैंने एक स्टेप भूल गया हूँ और वो अपना डस्टर पकड़ के चीज़ें मिटा दे जैसे ही वो ये चीज़ें मिटाएगा उसके लिए तो कोई मसला नहीं उसने चीज़ें मिटाई और दोबारा से लिख ली लेकिन क्योंकि आपने अपनी कॉपी पर सब कुछ लिख लिया है तो आपके लिए ये मसला होगा कि आपको अपनी सारा लिखा हुआ काटना पड़ेगा और फिर नई लाइन पर ये सारा सिलसिला शुरू करना पड़ेगा आपके लिए तो ये मसला हो गया लेकिन आपके उस्ताद के लिए नहीं हुआ बिल्कुल उसी तरह क्विक बुक्स में भी क्विक बुक्स को कोई मसला नहीं हुआ मसला कब होता था मसला जब होता था जब हम ये सारी चीज़ें मैन्युअली किया करते थे या किसी एक्सेल के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन रखा करते थे क्विक बुक्स ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सामने रखते हुए ये सारे मसले खुद ब खुद ही हल कर दिए नाउ कमिंग बैक टू क्विक बुक्स यहाँ आपने उस कंपनी का नाम उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपके पास आपके अकाउंट्स में क्विक बुक्स में ये रजिस्टर्ड है नाम लिखना सही स्पेलिंग के साथ ज़रूरी है क्लिक ओके जैसे ही आप ओके कहेंगे ऊपर लिखा हुआ है द नेम इज़ ऑलरेडी बींग यूज वुड यू लाइक टू मर्ज दैम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है और हर लेक्चर में ये ज़रूर बताता हूँ कि हमेशा कोई बुक्स हमें प्रॉम्प्ट करता है जब भी हम कोई एक्शन लेना चाहें ताकि हम गलती से कोई गलत एक्शन ना लें इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि उसका हाइलाइटेड पोर्शन नो पर है उसे नहीं पता कि ये आप वाकई मर्ज करना चाह रहे हैं या नहीं उसने आपसे ऑप्शन पूछी यू हैव टू क्लिक ऑन यस जैसे आपने यस क्लिक किया नाउ यू कैन सी कि हमारी लिस्ट में से जरीफ कंपनी गायब हो गई है एंड इट हैज़ बीन मर्स्ड विथ योर जीशान कंपनी बैक एंड पे जितने रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड थे जरीफ कंपनी के साथ नाओ दे आर एसोसिएटेड विथ जीशान कंपनी इन आर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो वी डिस्कस्ड एज टू हाउ टू गेट रिड ऑफ कंपनीज विच हैव बीन इरोनियसली ओपनड जो गलती से खुल गई हमसे हो सकता है वो डुप्लीकेट हो गई हो, हो सकता है वो कंपनी कभी इस्तेमाल ही ना हुई हो और हमने देखा था कि जिस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती उसको हम बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं क्यों क्योंकि उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और देर आर नो अकाउंट्स एसोसिएटेड विद दिस कंपनी बट इन दिस केस बोथ तीस कंपनीज हैड अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद दैम दोनों में रिकॉर्ड था हो सकता है कि एक ने हमसे कुछ पैसे लेने हों और दूसरी ने हमने हमें कुछ पैसे देने हों अगर हम एक कंपनी को डिलीट कर देते बगैर देखे तो ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ जाती पहली बात तो ये है क्विक बुक्स समय ये काम करने ही नहीं देता और वो कहता है कि डिलीट करना ट्रांजेक्शन वाली कंपनी इज़ नॉट पॉसिबल और क्योंकि हमें पता था कि दूसरी कंपनी मौजूद है जो कि उस कंपनी की पेरेंट कंपनी है वी मर्ज बोथ दिस कंपनी इनटू अ सिंगल एंटिटी इससे हमें यह फ़ायदा हुआ सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड जो एक कंपनी का था वो महफूज रहा और दूसरी कंपनी के साथ आके मर्ज हो गया हमें पुराना रिकॉर्ड अगर उस मर्ज मर्जशुदा कंपनी का भी देखना है तो वो भी मौजूद है और एग्जिस्टिंग कंपनी का देखना है तो वो भी मौजूद है जस्ट टू रिकैप यू कैन नॉट डिलीट अ कंपनी विच हैज ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद इट मैंने पहले बताया था ऐसी कंपनियों को हम क्या करते हैं इफ़ देर इज देर आर ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद विद अ कंपनी एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू सी इट ऑन अ लिस्ट वी कैन मेक इट इनएक्टिव आप उसे डीएक्टिवेट कर लें एंड इफ़ एंड वेन यू स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद डैट कंपनी अगेन यू कैन रीएक्टिवेट उसे आप एक्टिव कर लें और आज हमने देखा है कि अगर हमने दो कंपनी को आपस में मिलाना है जिसकी मैंने आपको पहली बहुत सारी वजूहत बता बता दी हैं मर्जर हो गया दोनों कंपनीों का एक ने दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लिया है गलती से दो कंपनियाँ खुल गई थी या दो कंपनियाँ आपके साथ बिजनेस कर रही थी दोनों आमों के साथ अब टैक्स या किसी और वजह से ये दोनों एक ही नाम के अंडर काम करना चाह रही हैं अंडर अ सिंगल रूफ यू कैन मर्ज देयर अकाउंट्स इन टू अ सिंगल एंटिटी विदाउट लूजिंग एनी डेटा और ट्रांजेक्शन थैंक यू सो मच फॉर दिस सेक्शन